नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। रूपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें कुछ हम डालेंगे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 300 ग्राम मैंने दही लिया 1 किलो चिकन में, एक कटोरी ऑयल। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मैं ये कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ, खड़े मसाले, 5 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और कुछ को हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमने आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। आधा घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है। जब तक हमने प्याज लिए, ये 250 ग्राम प्याज है, 1 किलो मैंने चिकन लिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। प्याज को हल्का सुनहरे होने तक भूनते रहना, जलाना नहीं है प्याज को। प्याज हमारी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। इसको 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं, जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है, ब्राउन होने दो अच्छे। प्याज हमारी भून के हो चुकी है तैयार। गैस को कर देते हैं हम ऑफ। इसको ये किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना। प्याज हमारी भुन चुकी है। अब हम चिकन को देख लेते हैं, इसका क्या हाल है। चिकन हमारा हो चुका है मैरिनेट। अब हमने क्या करना है, हमने गैस को कर देना है ऑन। इसमें क्या करना है, हमने आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ये गरम मसाला, हमने क्या करना है, गैस को हमने कर दिया फुल ऑन। हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। चिकन को हमारी को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसका क्या हाल है। चिकन हमारी बिल्कुल ठीक है। अभी और इसमें टाइम लगेगा पकने में, थोड़ी सी कच्ची है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने प्याज का जो भून रखा था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो हाथों से ऐसे क्रश कर लेना,
इसको डाल देना। दस मिनट के लिए इसको और कवर कर देना। दस मिनट हो चुके हैं, चिकन को हम देख लेते हैं। चिकन हमारा पक चुका है। अब हमने क्या करना है, आधा चम्मच मैंने चीनी ली है, इसमें चीनी घेर देना। और एक ढक्कन हमने केड़वा बॉटल लिया है। इसको दो मिनट के लिए और चला लेते हैं। चीनी डालिए ना। चिकन हमारा बन के तैयार हो चुका है। गैस को कर देते हैं हम ऑफ। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं बर्तन में। चिकन हमारा हो चुका है तैयार। इसमें क्या करते हैं, कुछ अदरक के पीस गिर देते हैं। तो कैसी लगी मेरी चिकन कोरमा की रेसिपी आपको? तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करते जाना। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।